अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आज बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या है? रात काफ़ी हो गई है और इस वक्त जो है ना 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। हाँ, जो कि अम्मी और साना को घर पे छोड़ के जा रहे हैं और अमीना अकेली, क्योंकि वहाँ पर जो है ना गांव में तो सारे लोग होते हैं, यहाँ पर तो अकेला रहना पड़ता है एक ही घर में। तो सना ने बोला कि मैं ही रुक जाती हूँ, फिर जो है ना यहाँ पर आए और बाकी में पेट्रोल करवाया। उसके बाद हम लोग जाके पहुँचे वाले के पास, जो कि खास कर हम इसके लिए आए थे क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग आए नहीं। मैंने कहा कि आज चलो मेरे मेरे किताब, ये बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौक का बाबा भी है ना। अब उसका कहता है कि सईद के चलो तो कोई मसला नहीं है कि आप लोग चलो आज खाती भी आते हैं। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है जब जाऊँ, और फिर मैंने कहा कि चलो अब जो है ना यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर भी है इतना टाइम हो गया था और हम लोग ने ऑर्डर करवाया जो कि आने वालों के लिए पार्सल भी लेने थे और हमारे लिए भी है ना यहाँ पर, और हमारे भी है ना ऑर्डर आ गया था और परोस भी है। उसके बाद जिंदर बर्गर भी हैं, हम लोग भी हैं जो चीज़ें खा लेना, और जब तक हम लोग रोटी नहीं खा लेना तब तक हमारा पेट। तो मैंने जो है ना जिंदर बर्गर खाना स्टार्ट किया। मेरे बच्चे हैं यहाँ पर, मेरा हस्बैंड और जिंदर बर्गर, क्योंकि इस बार मैंने जिंदर बर्गर थोड़े कम लगी थी वरना यहाँ पे जिंदर बर्गर इतने ज़्यादा मशहूर हैं और इतने अच्छे हैं ना जिंदर बर्गर। हम लोग अक्सर यहाँ पर जो है ना ऑर्डर करते हैं ना तो यही जिंदर बर्गर आते हैं और दूसरी जगह से जो है ना कम मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते ना चलते हैं। और इस यहाँ पर जो है ना हम लोग खाने पीने के लिए वहाँ पर बैठ के भी उठा ना तो नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होता, तो बाद में रोटी भी आ गई और जीत कबाब आ गए बहुत ही मिर्च, और जब तक रोटी ना खाना तो इतनी ज़्यादा जो है कच्ची मिर्ची डाली हुई थी और पानी भी मंगवा दिया और पेट खाया और गंदे करते नहीं खाता। तो यहाँ पर भी है ना ये देखें रोटी के साथ भी है ना बोटियाँ खा रहे हैं, बस खाली पी भी हैं ऐसी सूखी बोटियाँ हैं। और यहाँ पर भी है ना पानी अच्छे तरीके से भी है ना हर चीज़ मिल जाती है। बहुत अच्छा इंजॉय किया बच्चे भी मैं भी, और अम्मी वालों के लिए तो थे वो अभी पार्सल लेने थे, मेरे साथ जुड़े रहना कहीं भी मत जाना। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, और अगर कोई भी मेरी वीडियोस में गलती आती है वो भी कमेंट करके बता दिया करो। कोई भी मसला नहीं है, अपनी बहन समझ कर मुझे सब बातें बता सकते हो। अगर आप लोग जो है ना मेरी वीडियोस को वॉच भी किया करो और मैं मुझे कमेंट कर दिया करो। अगर किसी ने सब्सक्राइब जो न्यू है ना सब्सक्राइब करें तो कमेंट कर दिया करें। और हम अम्मी वालों के लिए ढेरों लिए हैं यहाँ पर, और बिल बिल्कुल जब बारी आती है ना तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देख कर कितना बिल आया है, तो मैंने कहा कि सारी चीज़ें ऑर्डर कराते जाओ कराते जाओ। तो मैंने कहा कि ये 2800 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2800 रुपये से तो ऊपर चीज़ें खा के गए थे। फिर हम लोग जो है ना आइसक्रीम वालों के पास आ गए यहाँ पर बैठ के आइसक्रीम के इंतज़ार में कि आइसक्रीम भी खा के जाएँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आए पता चला कि मैं जो है ना पिशावरी आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे मैं हूँ मेरा हस्बैंड को भी, क्योंकि ये जो है ना
इस बार तो हमारे शहर से भी उन्होंने आइसक्रीम चीज़ नहीं मिली थी, आप लोग देखते क्या कभी कभी इंसान जो है ना इस तरीके से पहुंच जाता है कि यहाँ पर कटोरियों में आइसक्रीम मिली लेकिन वो भी अच्छी नहीं थी। और मैं ना क्या किया कि मेरे हस्बैंड को बोला कि जो घर लेके आते हो ना आइसक्रीम पार्सल वो इतनी अच्छी होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर खुद खाने के लिए आए तो ये आइसक्रीम। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें पसंद नहीं आ रही। मैंने कहा कि नहीं, ये जो है ना कटोरियों में आइसक्रीम और इतनी अच्छी नहीं थी, दिखने में तो कैमरे में अच्छी लग रही। तुझे मज़ा नहीं दे रही है, दूसरी मंगवा लो। इतनी दूर से आए और एक गिलास मंगवा लो। कौन सा होगा? ये वाला? हाँ ये वाला। नहीं ये वाला, चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाला ये वाला? जो अच्छे वाला पहले पिछली बार भी खा के गए थे ये वाले। कौन सा? ये वाला। ये वाला मेरे हिसाब से तो ये छोटा सही रहेगा, ये वाला। ये जैसे कि कोई टिश्यू भी दे दे।